नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आंकड़े की बात करें तो भाई यूएई में आंकड़े अगर आज की बात करें बता दूं 15 अक्टूबर, जी हाँ साथियों, तो 14 अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 1400 के करीब पर डे आंकड़े हैं। जी हाँ, तो एक तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ये मान के चलिए। एक बार डाउन आया था जब मैं 2 अक्टूबर को यहाँ आया था, तब 1000 के समथिंग आंकड़े पर डे चल रहे थे, लेकिन अभी देखा जाए 2 अक्टूबर के बाद में 10 दिन के करीब की तो उसके आंकड़े बढ़ के लगभग 1400 हो चुके हैं पर डे के। जी हाँ साथियों, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पे आप देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा, अपडेट में करता रहूँगा। आज हम बात करते हैं भाई शारजा का। जी हाँ साथियों, शारजा में कुछ इतना भयंकर नया अपडेट है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कहने का मतलब, अगर मोटा मोटी ये देखा जाए तो गरीबों की वाट लगती है सभी जगह, कहीं पर भी देख लो गरीब लोगों की भाई कहीं इज्जत नहीं होती है। और आप लोग जो दुबई में बैठे वीडियो देख रहे हैं आपके ऊपर ये 100% ये बात लागू होती है, क्योंकि शारजा में एक नियम निकल के आया। आज की डेट में अल खलीज का ये आर्टिकल है, आप अगर यहाँ पे हो तो आप देख सकते हैं। शारजा में शायद ये, मुझे नहीं लगता, ये शायद वर्ल्ड वाइज पहला ऐसा कोई केस आया होगा जिसमें कुंवारे लोगों को निकाला जा रहा है घर से। जी हाँ, कुंवारे लोग, समझ गए, जिन शादीशुदा नहीं है, जो एकल रहते हैं, यानी सिंगल लोग रहते हैं, तो एक मकान में मान लीजिए टोटल कुंवारे कुंवारे लोग हैं, या लेबर कैटेगरी के जो जो ब्लू कलर वाले लोग हैं, और उनमें लगभग बता दूं 4000 लोगों को निकाल भी दिया। जी हाँ, शारजा की मैं बात कर रहा हूँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं बता दूं भाई, देखिए एक हुआ क्या कि शारजा में बहुत सारे, आप पता है बहुत सारे लोग आप वहाँ पर जॉब कर रहे होंगे तो आपको इस स्थिति का पता होगा। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे घरेलू हैं, जैसे घर हैं और पड़ोस पड़ोस में, आपको पता है भाई मॉमडर्न कंट्री है, गल्फ कंट्रीज है, तो यहाँ पे थोड़ा सुरक्षा लोगों को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से या फिर लेडीज़ प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे भी देख लीजिए, यहाँ पे सुरक्षा तो इम्पोर्टेंट, आपको सबको पता है। हर इंसान जो रहता है वो चाहता है कि मुझे सुरक्षा मिले, खास तौर से महिलाओं के लिए। तो शारजा में एक महिला ने शिकायत कर दी। अब महिला ने शिकायत क्या करी कि वो जहाँ रहती है उसके आसपास में लोग झुंड बना के खड़े होते हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो रेंट से रहते हैं, शादीशुदा नहीं है, यानी वो शादीशुदा हैं लेकिन अपनी कंट्री में, यहाँ पे वो सिंगल रहते हैं, कहने का मतलब ये समझ सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे नगर पालिका में शिकायत कर दी। जी हाँ, तो वहाँ के आपको पता भाई, तुरंत वहाँ पे सिस्टम, शारजा के शासक हैं डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने, जी हाँ साथियों, आदेश दे दिया तुरंत प्रभाव से 185 आवर्स हाउस से। जी हाँ साथियों, 180 यानी 185 लोगों से लगभग 4000 लोगों को आदेश देके निकाल भी दिया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो, यहाँ आप नहीं रह सकते, आपकी वजह से पारिवारिक माहौल में खतरा उत्पन्न होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप लोग वहाँ रह रहे हैं, आपकी रीजन क्या बताया, एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ब्लू कॉलर वाले जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, उनका रहन सहन काफ़ी डाउन कैटेगरी का है, मेन रीजन ये बताया गया, क्योंकि वो तरह जिस माहौल से रहते हैं ना, कोरोना का टाइम चल रहा है, वहां के आसपास के जो लोग रहते हैं वो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं कि आप यहां पे एक घर है, मान लीजिए ये घर है, इसके बाहर 20-30 लोग खड़े हैं झुंड बना के, इसमें महिलाएं हैं, तो उनको एक तरह से माइंड में नेगेटिविटी आती है कि यार ये लोग सामने खड़े हैं। तो आप उनकी फिर शिकायत कर दी, तो वहां का शासन, आपको पता है दुबई का कैसा एकदम स्ट्रिक लो है भैया, तो उनको बोल दिया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो, वहां से आप दूसरी जगह जा सकते हो। तो ऐसा कुछ यूएई के शासन में किया गया है। शारजा की अगर बात करें तो वहां पे कुछ उल्लंघन पाए गए, जैसे बिजली का, पानी का वगैरह वगैरह, कुछ गलत मतलब एक्टिविटी होना, इस तरह से लगभग 169 हाउस यानी घरों को नोटिस भी वहां पे दिया गया है नगरपालिका की तरफ से। शारजा में 1500 के करीब लोगों घरों का वहां पे निरीक्षण किया गया, उनमें से 185 घरों से लगभग 4000 लोगों को निकाल के अब दूसरी जगह शिफ्ट होना उनकी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट शिफ्ट नहीं करेगी उनको, वहां से निकाल दिया, अब आप जानो अपने हिसाब से दूसरी जगह सेटल हो सकते हो। बस ये जानकारी आप लोगों को देनी थी भाई, शारजा में जो लोग हैं वो इस तरह से ये न्यूज निकल के आ रही है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, आपका भी नंबर आ सकता है क्या, आएगा 100%, निर्देश दे दिया, पालन होना तय है, यूएई है भाई, इंडिया नहीं है, तो थोड़ा सा आप देख लें। ज़्यादातर तो यहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी है, दुबई में ज़्यादातर तो मैंने इन्हीं को देखा है, बाकी थोड़े बहुत बंगाली भी हैं और हैं जो अलग तरह के रहते हैं। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।